छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आज कांग्रेस समाज कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने पहुंचे, जिन्होंने मैराथन दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने जिले में नशा मुक्ति के लिए आयोजित इस मैराथन दौड़ स्पर्धा की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो अभियान के दौरान राहुल गांधी ने मुझे स्पोर्ट्स शूज पहनाए थे, आज छिंदवाड़ा के बच्चों ने मुझे ट्रैक सूट पहनाया। सांसद नकुलनाथ ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता या सीखता है। बता दें कि नशा मुक्ति के लिए दौड़ेगा छिंदवाड़ा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता कांग्रेस समाज कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस ग्राउंड में सुबह 9 बजे से प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजन समिति के द्वारा रखी गई थी। पुलिस ग्राउंड से लेकर नागपुर रोड भोदरी नदी तक प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति का संदेश देने दौड़ लगाई। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने सम्मानित किया। नशा मुक्ति कार्यक्रम मैराथन कार्यक्रम में आकर बड़ी खुशी हुई। मैं सबसे पहले तो आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप सब मुझे ट्रैक सूट में देख के हैरान होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय स्पोर्ट्स शूज बनाया, लेकिन छिंदवाड़ा के बच्चों ने आज मुझे ट्रैक सूट पहनाया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस मैराथन में आपके साथ भाग ले रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद बनने के बाद मैंने हमेशा खेलकूद को बढ़ावा दिया है। 3 सांसद क्रिकेट कप हो चुके हैं, कल 1 सांसद कप का दंगल कार्यक्रम भी हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और हम छिंदवाड़ा में एक नया वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सेंटर बनाने जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, खेल कूद में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।